इस प्रकार आप सब जानते हैं कि कितने दिनों से कमर तोड़ महंगाई जो है वो हम लोगों के ऊपर लाद दी गई, चाहे वो खाद्य पदार्थों की बात हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे बच्चों के स्कूल की किताबों की या वस्त्र ड्रेस की बात हो, वस्त्रों की बात हो, ये जो चीज़ें हैं ये कब तक चलेंगी? बढ़ता हुआ रोज का सिलेंडर, सीएनजी गैस, एलपीजी गैस, कब तक हम ये बोझ के तले दबते जाएंगे और हमारी कमर टूटती जाएगी? कुछ सवाल मैं अपनी सांसद श्रीमती किरण खेर जी से करना चाहती हूँ। किरण खेर मैम, आप जब कोविड में लुप्त हो गई थी तो आपको हमने दूरबीन के माध्यम से खोजा और आप शाम के वक्त ही प्रस्तुत हो गई ये कहते हुए कि आपकी सेहत ठीक नहीं है। लेकिन आज मुझे समझ नहीं आ रही, जब इतनी कमर तोड़ महंगाई इस बीजेपी शासित सरकार ने कर दी है, आम आदमी का जीना बेहाल हो चुका है, तो आपको आज क्या मैं माइक्रोस्कोप लेके ढूंढूं? कहाँ हो आप? आपसे मैं प्रश्न करना चाहती हूँ मैडम, आपकी जनता, चंडीगढ़ के नागरिक आपसे पूछना चाहते हैं कि इस महिला होने के नाते आपने महंगाई के विरोध में क्या कहा? क्या आप जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है ना, जो डॉक्टर साहब मनमोहन सिंह को भेज रही थी चूड़ियाँ, आज क्या उसकी चूड़ियों वाले हाथ टूट गए? या आज वो मोदी सरकार के अंदर इतनी डामाडोल हो गई है कि वो आवाज़ तक नहीं उठा पा रही? यही हाल आपका है मैडम, आपको महंगाई के विरुद्ध आवाज़ जनता के लिए उठानी पड़ेगी, नहीं तो मैडम आपका सांसद होने का जो बात है वो कोई कर्तव्य जो आप नहीं निभा रही हो उससे सब लोग दुखी हैं। का टैलेंट, आपका जो टैलेंट के प्रोग्रामों में आप जा रही हैं, मैडम जनता आपसे सवाल कर रही है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों, हमारे साथ सुतेलापन क्यों, हमें क्यों धोखा दे के आपने वोटें ली? या तो अपनी कुर्सी छोड़ो या लोगों के साथ आके कंधे से कंधा मिला के इस महंगाई, कमर तोड़ महंगाई के अगेंस्ट सरकार के विरुद्ध खड़े हो। क्या आपने ये सोचा? आप भी एक गृहिणी हैं, आप भी एक महिला हैं, सांसद बाद में हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कि बढ़ती हुई महंगाई में सिलेंडर 1000 के पार हो गया? क्यों नहीं सोचती? क्यों नहीं जनता के साथ आप इस तरीके से सुतेला व्यवहार कर रही हैं और खुद आप टीवी कलाकारों के बीच में बैठ के बहुत अच्छे रोचक प्रोग्रामों में अपने आप को शोभित कर रही हैं? क्या ये उचित है? ठीक है, वो आपका प्रोफेशन है, लेकिन जब आप सांसद बनी थी तो मैडम ये सोचना पड़ेगा आपको कि क्या आपके जो कर्तव्य हैं वो क्या चंडीगढ़ की जनता के, नागरिकों के लिए नहीं है? आज महंगाई चरम सीमा पे है, नींबू 300 से 350 रुपए किलो मिल रहा है, हरी मिर्ची 250 रुपए किलो मिल रही है। मैडम कहाँ सो रहे हो, क्यों आवाज़ नहीं उठाते? लोगों ने आपको चुना है, लोग चाहते हैं कि आप उनके बातों को आगे तक पहुँचाएँ, आप उनके रोषों में उनके साथ खड़े हों, उनके दुख में आप उनका साथ दें, लेकिन आप तो लुप्त हैं मैडम। मुझे लग रहा है आज से चंडीगढ़ महिला कांग्रेस के द्वारा माइक्रोस्कोप के थ्रू आपको ढूंढा जाएगा, तभी शायद आप शाम तक अवतारित हों और फिर शायद कुछ आप चंडीगढ़ के लिए कर सकें। शर्म आती है ये कहते हुए कि अपने कुछ लालच की वजह से आप ना तो सांसद का पद छोड़ रही हैं, ना ही लोगों के लिए कुछ कर रही हैं।